मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर के बारे में बताएंगे। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है एवं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के समय भी होते हैं। ईथर में द्विसंयोजी ऑक्सीजन O क्रियात्मक समूह होता है तथा इनका संरचना सूत्र R-O-R, R-O-A-R, AR-O-OR होता है। ये जल के द्विअल्किल व्युत्पन्न या अल्कोहल के अल्किल व्युत्पन्न होते हैं, इन्हें अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। ईथर में डाई मेथिल ईथर CH3-O-CH3, C2H5-O-C2H5 डाईएथिल ईथर। अब इसमें CH3, CH, CHO, CH3, CH, CH3, CH3, इसको हम डाई आइसोप्रोपाइल ईथर कहते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथरों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सरल सममित ईथर या मिश्रित ईथर, जिसको हम सममित एसिमेट्रिक ईथर कहते हैं। अब इसमें सिंपल या सममित सिमेट्रिकल ईथर होते हैं, वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन से समान एल्किल या एरिल समूह जुड़े हों, उनको हम सरल या सिमेट्री ईथर कहलाते हैं। जैसे CH3, CH2, CH2-O-O-CH2, CH2, CH3। डाई एन प्रोपी ईथर, अब डाई टर्सी ब्यूटिल ईथर, डाई फेनिल ईथर और डाई बेंजिल ईथर। मिश्रित ईथर या असिमेट्रिक ईथर, वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह अलग अलग हों, मिश्रित या असिमेट्रिक या एसिमेट्रिक ईथर कहलाते हैं। जैसे CH3-O-C2H5 एथिल मेथिल ईथर, CH3-CH2-CH2-O-CH3 मेथिल एन प्रोपिल ईथर। इसी तरह से एथिल एलिल एथिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, ये मिश्र ईथर के ईथर कहलाते हैं। अब देखिए इसमें ये नामकरण ऑफ ईथर, ईथरों का नामकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, सामान्य या रूप सिस्टम, इसको कॉमन या ट्राइबल सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली में, सिस्टम में नामकरण करते समय ऑक्सीजन जुड़े एल्किल मूलकों को ईथर शब्द के पूर्व लग्न से लिखा जाता है। अब एल्किल समूह ईथर दो अलग अलग शब्दों के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे CH3-O-CH3 डाईमेथिल ईथर, C2H5-O-C2H5 डाईएथिल ईथर, C2H5-O-CH3 एथिल मेथिल ईथर। अब आता है इसमें ये नंबर सामान्य प्राणी रूल सिस्टम, कॉमन ट्रेवल सिस्टम से इसको नाम देते हैं। अब आता है IUPAC सिस्टम। इस प्रणाली में हाइड्रोकार्बनों का एलोक्सी व्युत्पन्न माना जाता है, छोटे या कम कार्बन परमाणु वाले एल्किल समूह को एलोक्सी शब्द के रूप में लिखकर पूरा नाम एक साथ लिखते हैं, जैसे CH3-O-CH3 तो मेथॉक्सी मेथेन, इट इज़ कॉल्ड ऑफ द मेथॉक्सी मेथेन। CH3-O-C2H5O इसको मेथॉक्सी एथेन बोलते हैं, और C2H5-O-C3H7 इसको एथॉक्सी प्रोपेन बोलते हैं। अब इसी तरह से इसको C2H5-O-C2H5 एथॉक्सी एथेन, C6H5-O-CH3 मेथॉक्सी बेंजीन, और फिनॉक्सी बेंजीन C6H5-O-C6H5। कुछ एरिल एल्किल ईथरों के रूट नामों को IUPAC में भी मान सकते हैं, जैसे बेंजीन में OCH3 अगर हम जोड़ देते हैं तो इसको एनिसॉल कहते हैं, बेंजीन में OC2H5 जोड़ देते हैं तो फेनिटॉल कहते हैं, और बेंजीन में इसको और OCH3 और NH2 जोड़ दें और तो मेटा पोजीशन पर, तो मेटा एनिसॉल कहते हैं, और इसी तरह से इसको OCH3 और पैरा पोजीशन पर COOH जोड़ दें तो पैरा एनिसिक अम्ल कहलाता है। अब आता है इसमें देखिए, ये जब किसी यौगिक में ईथर से अधिक वरीयता वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसे मूल
यौगिक एल्कोहल को आर डैश ओ डैश या एरलॉक्सी एआर डैश ओ व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे एग्जांपल है CH3 डैश ओ बॉन्ड CH2COOH, इसको हम मेथॉक्सी एसिटिक अम्ल बोलेंगे। ऐसे ही इसको 4C6H5O डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड CH2CH2CH2CHO, इट इज़ कॉल्ड ऑफ द 4-phenoxybutanol। अब आता भी इसमें ये संश्लेष की विधियाँ, संश्लेष की विधियाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें ये होता है कि एल्कोहल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम एल्कोहल का निर्जलीकरण, इसको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड से इसको हम बनाते हैं। इसमें एल्कोहल को शांत सल्फ्यूर अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ईसर प्राप्त होता है। एल्कोहल के दोणों के एक जल अणु का निष्कासन होता है। निम्नतर एल्कोहल समूह वाले ईथरों का अधिक मात्रा में संश्लेषण द्वारा किया जाता है। इस विधि के की कुछ कमियां हैं, जैसे ताप नेत्र नहीं लिखा जा सके या एल्कीन भी बन जाती है। एल्थिल एल्कोहल को शांत सल्फर के साथ 140 डिग्री पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, जबकि 180 डिग्री पर एथिलीन प्राप्त होता है। आर डैश ओ एच शांत H2SO पर आर ओ आर H2O C2H5OH H2O 140 C2H5O C2H5 एथिल एथाइल डाइथाइल ईथर बनता है और C2H5OH H2SO पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें एथिलीन प्राप्त होती है। अश्मित ईथरों के संश्लेषण के लिए ये विधि अच्छी नहीं है, क्योंकि इसे दो अलग अलग एल्कोहल्स लेने होंगे, तीन मिश्रणों का प्राप्त होगा जिनके पृथक करना क्रिया विधि। इसमें CH3OHH+ CH3O प्रोटोनीकृत मेथनॉल बनता है और इसके बाद प्रोटोनीकृत मेथनॉल इसमें H2O के साथ रिएक्शन धीमी गति से होता है, संक्रमण अवस्था आती है, तीव्र गति H2O निकल जाता है और इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3+ आयन बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3 बनता है। SN2 क्रियाविधि कहलाती है। अब आता है SN1 क्रियाविधि, इसमें CH3C CH3CH3-OH हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करते हैं, प्रोटोनिकल एल्कोहल बनता है, फिर धीमी गति से इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद CH3CH3C CH3 कार्बोकैटायन बनता है, फिर H2O से जुड़ता है और इस तरह से ये रिएक्शन तीव्र गति से होने के बाद आयन बनता है और CH3COCCH3 थ्राइस। तो उत्पादों एल्कीन एल्डिहाइड एसोसिएट के साथ आदि का बनना SN1 क्रियाविधि पुष्ट करता है। इससे रिएक्शन होने के बाद इसमें एल्कोहल को डाईमेथिल एथिलीन बनता है। एल्कोहल की एलुमिना से रिएक्शन करते हैं ROH, तो ROH डाई एथिलीन ईथर बनता है। विलियमसन सिंथेसाइज ईथर को प्रयोगशाला विधि से इसको बनाया जाता है। एल्किलाइड के सोडियम के साथ इसको और पोटेशियम एलॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, इससे समित अस्मित दोनों प्रकार की ईथर प्राप्त होता है। RX+NO(R)R-OR(NX) C2H5Br+C2H5ONa C2H5O-C2H5O सोडियम ब्रोमाइड, इस तरह से तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है और इस तरह से इसमें क्लोरोफॉर्म को सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन करने पर एनिसोल बनता है, OCH3NaCl और बेंजिल मेथिल एल्कोहल बनता है। यह क्रियाविधि SN2 क्रियाविधि है। इसमें एल्किल हैलाइड के इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर नाभिक से ही एलॉक्साइड का आक्रमण होता है। तो RO-Na+RO-Na RO-RX धीमी गति से RO-R-X Fe-Ne- तीव्र गति से R-R-O-R-X। अब आता है इसमें एल्किल हैलाइड से रिएक्शन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। इस विधि में ईथर संश्लेषण एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ गर्म करने पर किया जाता है। इसको हम
2RX प्लस Ag2O गर्म कण RO R2AgX, RX प्लस Ag2O सिल्वर ऑक्साइड R-X गर्म करने पर ROR पर 2AgX। अब आता है इसमें निम्नतर ईथर का उच्चतर ईथर में अंतर, कन्वर्जन ऑफ द लोअर ईथर इनटू हायर ईथर, निम्न हेलोजनीकृत ईथर पर इसको ईथर पर ग्रिग्नार्ड अवक्रम की क्रिया कराने से उच्च ईथर बनती है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2Cl मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर। इसको C2H5MgBr ग्रिग्नार्ड अवक्रम से रिएक्शन कराते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2C2H5MgBrCl इस तरह से ये ईथर प्राप्त होता है। अब CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2CH2Cl CH3MgCl से रिएक्शन कराने पर CH3CH2OCH2CH2CH3 प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अब आता है एलॉक्सी मर्क्यूरी बिमर्क्यूरी एलॉक्सी मर्क्यूरी डिमर्क्यूरी रिएक्शन। एल्किन की क्रिया उपयुक्त एल्कोहलों की उपस्थिति में मर्क्यूरी ट्राईफ्लोरोएसीटेट के साथ कराने के बाद प्राप्त उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन कराने पर ईथर का निर्माण होता है, जिसमें आर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आर सिंगल बॉन्ड OH Ag O डबल ओ सी CF3 ट्वाइस आर सिंगल बॉन्ड CHOR CH2 Ag सी डबल ओ सी एच थ्री सी एफ थ्री सी डबल ओ एच NaBH4, इसको हम कह रहे हैं मर्क्यूरो ट्राई फ्लोरो। इसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन करने पर आर सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड OR- इस तरह से रिएक्शन होता है। अब आता है CH2 इसको एथीन से रिएक्शन CH3OH Ag COO CF3 ट्वाइस CF3 COOH तो CH2 OCH3 Ag COO CCF3 NaBr CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3 इस तरह से प्राप्त होता है। अब आता है डाईएजो मेथेन में इस तरह से रिएक्शंस होता है, एल्कोहल पर डाईएजो मेथेन की क्रिया बोरोन ट्राई फ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर मेथिल ईथर प्राप्त होता है। तो आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच CH2N2 BF3 आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस N2 तो इस तरह से ये आर ओ सी एच थ्री सी एच थ्री ओ सी एच थ्री सी टू एच आर इजल टू एल्काइल ग्रुप N2 निकलता है। तो इट इज़ कॉल्ड ऑफ द डाइजोमेथिन से इसको इस तरह से हम एल्कोहल पर डाइजोमेथिन की क्रिया कराने पर बोरोन ट्राई फ्लोराइड BF3 की उपस्थिति में मैथिल ईथर प्राप्त होता है। अब आता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर में सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी क्रियात्मक के कारण ध्रुवता आ जाती है, जिससे उनके क्वथनांक समान अणुवार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा कुछ अधिक होते हैं, लेकिन संगत एल्कोहल की तुलना बहुत कम होते हैं। इसका कारण है एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध का पाया जाना। दूसरी तरफ ईथर की जल में विलेयता एल्कोहल के लगभग समान होती है, क्योंकि इनमें जल के साथ अंतराणु को हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर डाईएथिल ईथर एन ब्यूटिल ईथर की जल में विलेयता 8 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल है। आर ओ आर डैश डैश एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड डैश डैश एच ओ सिंगल बॉन्ड आर ओ एच। ईथर में सी ओ सी बंद को 180 नहीं होता है, अब तो 110 डिग्री होता है। अतः एक सी ओ बंद के कारण उत्पन्न दुर्ध्रुव आगुण दूसरे सी सिंगल बॉन्ड ओ बंद के कारण उत्पन्न दुर्ध्रुव आगुण से संतुलित नहीं हो पाता है। अतः ईथर का कुछ दुर्ध्रुव आगुण 1.18 होता है। अब इसमें 110 म्यू 1.18 ईथरों के क्वथनांक दिए हुए हैं। डाईमेथिल ईथर क्वथनांक -2.5, डाईफेनिल ईथर क्वथनांक 259, इसी तरह से डाई आइसोप्रोपाइल ईथर 69, फेनिटॉल 172, इस डाई विनाइल ईथर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक होता है, टेट्राहाइड्रोफोरपाइरीन 88, डाईएथिल ईथर 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक उबलता है, 1,4-dioxane 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो इस तरह से हमने आज ईथर के बारे में आपको बताया, और अब इस ईथर में
ईथर के बारे में बताया है। तो इस तरह से हम इसको आज यहीं समाप्त करते हैं और इस तरह से ये आपको इस तरह से हम इसको आपको नेक्स्ट ईथर के बारे में अगली क्लास में बताएंगे। तो इस तरह से हम इसको आज यहीं स्टूडेंट्स के लिए फिनिश करते हैं। आगे के हम इसको